हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अ गर्ल रितिका। होली आ रही है एंड व्हाट्स द बेटर सॉन्ग देन दिस। बहुत ही प्यारा ग्रूवी सॉन्ग है, बहुत इजी ट्यूटोरियल होने वाला है। दैट इज बलम पिचकारी फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, सबकी फेवरेट मूवी है। सो यस, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Now we'll be using thumbnail देखकर पता चल गया होगा, four easy chords, four initial chords, बहुत easy होने वाला है chords, that is A minor, D minor, F and G, दो minor chords, दो major chords। chords बताने से पहले make sure आप लोग का ukulele tune होना चाहिए, it's G C E A, all right। सबसे पहला chord A minor, A minor के लिए middle finger on the second fret top string, that's it, single finger chord, this is A minor। नेक्स्ट अप वी हैव एफ मेजर, मिडिल फिंगर वहीं रहेगा, इंडेक्स फिंगर ऐड करेंगे फर्स्ट फ्रेट के नीचे से सेकंड स्ट्रिंग पे, दिस इज एफ मेजर, इट विल साउंड लाइक। द नेक्स्ट अप वी हैव डी माइनर, एफ वैसे ही रहेगा, रिंग फिंगर ऐड करेंगे मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे, इट मींस सेकंड फ्रेट के नीचे से थर्ड स्ट्रिंग पे, दिस इज डी माइनर। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज जी मेजर, जी मेजर के लिए इंडेक्स फिंगर सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, मिडिल फिंगर सेकेंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड रिंग फिंगर थर्ड फ्रेट नीचे से सेकेंड स्ट्रिंग, दिस इज जी मेजर। सो ये हम लोग के चार इजी कॉर्ड्स हो गए, ए माइनर, डी माइनर, एफ एंड जी। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द स्ट्रमिंग पैटर्न्स। स्ट्रमिंग पैटर्न इस बार मैंने आप लोग के लिए दो प्रिपेयर किया है, एक बिगनर्स एक एडवांस। सबसे पहले सबसे इजी बता देती हूँ, दैट इज बिगनर्स स्ट्रमिंग पैटर्न, दैट इज चक डाउन डाउन। चक ऐसे ऐसे कैसे भी कर सकते हैं आप लोग, सो चक डाउन डाउन, चक डाउन डाउन, चक डाउन डाउन। अगर मैं ए माइनर लगा के करूं, सो इट्स चक डाउन डाउन, चक डाउन डाउन, चक डाउन डाउन, चक डाउन डाउन। ये मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड प्ले अलोंग में यूज नहीं करूंगी, सो अगर मैं थोड़ा सा प्ले करूं, बट ये मैं मेरे शॉर्ट यूकेलेले ट्यूटोरियल में अपलोड करूंगी, सो इट विल साउंड लाइक इतना मजा क्यों आ रहा है, like this, chuck down down, chuck down down, the first strumming pattern, and the second one is jo main use karne wali hu abhi chord progression and play along mein, down up up down up up down up, bahut pyara bahut groovy hai, har dancing song mein aa jata hai, down up up down up up down up, down up up down up up down up, down up up down up up down up। agar main a minor laga ke aap log ko batau to ye sound karega, down up up down up up down up, down up up down up up down up, down up up down up up down up, like this। ये आप लोग chord progression में देख सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा sound करेगा। ये हम लोग के दो easy strumming patterns हो गए, आप लोग को जो भी अच्छा लगे गाने में play करने में साथ में आप लोग वो use कर सकते हैं। So yes, let's proceed to the chord progression। chord progression बताने से पहले मैं एक चीज बता देती हूँ, केपो जिनको यूज करना है, केपो आप लोग आपके वोकल पिच के हिसाब से सेकंड थर्ड फ्रेट पे केपो यूज कर सकते हैं। मुझे बहुत लोग रिक्वेस्ट करता है कि हम लोगों के पास केपो नहीं है, तो आप विदाउट केपो बताइए। आप लोग के पास केपो नहीं है तो मैं ये समझती हूँ, आप लोग विदाउट केपो आप लोग के लिए मैं प्ले करती हूँ, बट केपो इज इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे सॉन्ग्स मैच नहीं होते तो केपो इम्पॉर्टेंट होता है, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि केपो क्यों यूज होता है। तो केपो नहीं है तो आप लोग केपो ले सकता है, बट दिस टाइम मैं ये सॉन्ग विदाउट केपो करने वाली हूँ सिर्फ आप लोग के लिए। ऑल राइट, स्टार्टिंग कॉर्ड प्रोग्रेशन बता देती हूँ, हर कॉर्ड दो दो बार रिपीट हो रहा है, तो मैं इंटू टू नहीं करने वाली हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। फर्स्ट लाइन भी दो बार हो रही है, सेकेंड लाइन भी दो बार हो रही है। सो फर्स्ट पार्ट का कॉर्ड प्रोग्रेशन इज ए माइनर जी, एफ जी ए माइनर, दो बार रिपीट हो रहा है, देन डी माइनर एफ ए माइनर, ये भी दो बार रिपीट हो रहा है, एंड देन द बलम पिचकारी द हुक लाइन इज ए माइनर जी F A minor, ये भी दो बार हो रहा है, that's it। ये पूरा हम लोग का first part हो गया, starting with A minor, and मैं use करने वाली हूँ down up up down up up down up। So इतना मज़ा क्यों आ रहा है, पेजी रहा है। अब F G A minor, तूने हवाओं में है भाग मिला, दुगना नशा, सेम थिंग सिर्फ लिरिक्स चेंज है, तो मैं फर्स्ट लाइन एक साथ कर रही हूं, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने पिलाया,
नाउ द सेकेंड लाइन डी माइनर एफ ए माइनर. हो तेरी मलमल की कुर्ती, एफ एंड ए माइनर, गुलाबी हो गई. अगेन डी माइनर एफ ए माइनर, मन चली चाली कैसा. अब एफ ए माइनर पे क्या डाउन भी कर सकते हो, ना काफी हो गए हो, बिकॉज द नेक्स्ट इज बलम पिचकारी. सो हुक लाइन के पहले एक डाउन करना तो बनता है, बहुत अच्छा साउंड करेगा. डी माइनर वाली वापस करी हुई एक साथ. हो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, मन चली चाली कैसा नवा भी हो गए ओ. बलम पिचकारी ए माइनर जी एफ ए माइनर, हर कॉर्ड पर एक एक बार स्ट्रमिंग पैटर्न. बलम पिचकारी जी जो तूने मुझे मारी, एफ तो सीधी सादी छोरी, ए माइनर शराबी हो गई. देन हाँ जींस पहन के, सेम थिंग, लिरिक्स चेंज है, कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम रहेगा. हाँ जींस पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू Again you can sing balam pichkari. This is not my skill. मेरा मैं अगर second fret पे capo लगा के ये गाना करूँ, for my female viewers, आप लोग second fret पे capo लगा के ये song करोगे तो बहुत अच्छा sound करेगा. It's just उन लोग के लिए जो मुझे बोलते हैं आप mostly songs without capo करिए. Alright, इतना हम लोग का first part हो गया. उसके बाद stanza आता है. दो stanzas है, दोनों के chord progression एकदम same है. मैं एक stanza का आप लोग को बताऊंगी and then next में play along में मैं दूसरा stanza गाने वाली हूँ. So we are starting the stanza. Stanza का chord progression मैं आप लोग को बता देती हूँ. That is A minor G A minor. वापस नहीं बोलूंगी, ये भी दो बार होने वाला है. A minor G A minor. उसके बाद जो हम लोगों ने पहले किया था D minor F A minor दो बार. And then the balam pichkari, same thing, A minor G, F, A minor. That's it. ये हम लोग का chord progression है. So we are starting with A minor. तेरी कलाई है, हाथों में आई है, मैंने मरोड़ा तो लगती मलाई है. इसमें आप लोग G and A minor पे एक down कर सकते हैं. लगती मलाई है. Like this. उसके बाद फीमेल रिप्लाई आता है बट कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम होता है. दैट इज महंगा पड़ेगा रे चस्का मलाई का उपवास करने में. अगेन जी ए माइनर पे एक डाउन. तेरी भलाई है. सिंपल. डी माइनर एफ ए माइनर दो बार सेम प्रोग्रेशन. बिंदिया तेरी महता भी हो गई, माइनर पे मैंने एक एक डाउन किया बिकॉज उसके बाद बलम पिचकारी है. सो बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई. रिपीट. हाँ जींस पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई. इसके बाद अगेन आप लोग बलम पिचकारी कर सकते हैं. रिपीट. बलम पिचकारी जो तूने मुझे जब एंड करते हो तो आता है. हाँ बोले रे जमाना खराबी हो गई, हाँ बोले रे जमाना खराबी हो गई. इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन लास्ट वाली लाइन से ए माइनर हटा दो. इट्स जस्ट जी एफ ए माइनर. इससे आप लोग एंड करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा. बहुत इजी था. सेकेंड स्टैंजा भी एकदम सेम है. कॉर्ड प्रोग्रेशन रिपीट है. फर्स्ट वाली लाइन का लिरिक्स है क्यों नो वैकेंसी की होठों पे, ये वाला है. तो ये मैं प्ले अलॉन्ग में करने वाली हूँ तो आप लोग के डाउट क्लियर हो जाएंगे. बहुत इजी होने वाला है. होली आने वाली है, आप लोग जरूर प्रिपेयर करना. कोई डाउट है आप लोग पॉज करके नोट डाउन करो. अगर फिर भी कोई डाउट है तो अभी हम लोग प्ले अलॉन्ग करेंगे, हम लोग एज अ जैम करेंगे तो आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो यस, लेट्स बिगिन द प्ले अलॉन्ग. एंड एज वी ऑलवेज डिड, हम लोग जिस भी कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं, वी आर स्टार्टिंग विद ए माइनर, तो वो हम लोग दो बार या चार बार प्ले करेंगे. देन वी विल गो अहेड. ये रहा हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड आई विल बी यूजिंग डाउन अप अप डाउन अप अप डाउन अप. सो वन
टू थ्री गो। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवाओं में भांग मिलाया, दुगना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने पिलाया, वो तेरी मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, मन चली जाली कैसा नवाबी हो गई, ओ पलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई, हाँ जींस पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। ए माइनर आप लोग 3 times प्ले कर सकते हो। मुझको पता है रे क्या चाहता है तू, होली भजन तेरी नियत कवाली है, जुल्मी ये हाजिर नवाबी हो गई, तू तो हर ताली की आज चाबी हो गई, ओ बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई, हाँ जींस पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई, हाँ बोले रे जमाना खराबी हो गई, हाँ बोले रे जमाना खराबी हो गई। That's it. हैप्पी होली एडवांस में सबको। आप लोग जाओ ये गाना प्रिपेयर करो, होली का इससे बेटर ग्रूवी डांसिंग सॉन्ग कुछ भी नहीं है, आप लोग प्रिपेयर करो। कैपो का मैंने बता दिया है फीमेल व्यूअर्स के लिए, मेल व्यूअर्स भी 2nd 3rd फ्रेट पे रख सकते हैं, अगर विदाउट कैपो वो लोग कंफर्टेबल है ऑफकोर्स आप लोग कर सकते हो। इंस्टाग्राम यूट्यूब होली पर आप लोग अपलोड करते हो तो मुझे टैग करो, मुझे देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच उन लोग को जो मुझे रेगुलर टैग करता है, मुझे इतना सारा प्यार देता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यू के लिए क्लासेस की डिटेल्स स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोग जाके चेकआउट करो, गूगल फॉर्म फिल करो, वहाँ आप लोग मुझसे पर्सनली क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड यस कॉमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो आप लोग नेक्स्ट क्या ट्यूटोरियल चाहते हो, आप लोग का फेवरेट सॉन्ग कॉमेंट करो, मैं ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, थोड़ा टाइम लगता है बट मैं पक्का बनाऊंगी आप लोग के लिए। सो यस वापस जल्दी मिलना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल या नेक्स्ट किसी यू के लिए हैक में। थैंक यू सो मच।